नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्वार्टर वन के रिजल्ट है, जिसका आज रिजल्ट आया है, जैसे सन फार्मा, डॉक्टर लाल, फेथ लैब, एसपीआई कंपनियों के रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कितना प्रॉफिट आया, कितना रेवेन्यू हुआ, क्या हुआ रिजल्ट में, प्रॉफिट में जंप हुआ या फॉल आया। रिजल्ट के प्रॉफिट और रेवेन्यू में इंक्रीज से आप ये पता कर सकते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या डाउन। तो ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है मतलब कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है। अगर रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो कंपनी जो है वो ग्रोथ में नहीं है, तो हमें आगे जा करके इस स्टॉक में वो मल्टी बैगर रिटर्न नहीं मिल सकता है। तो ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस के पैरामीटर्स है, फंडामेंटल एनालिसिस के हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा मार्केट में, नहीं तो मार्केट में कोई आता, कोई भी यहाँ से वेल्थ जनरेट कर लेता। तो अगर यहाँ से आपको एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करना है, अगर आप यहाँ से चाहते हैं हम करोड़ों कमाएं, तो आपको उस तरह से एक्टिव रहना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो हम रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, एकदम ब्रीफ में, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में हम देखते चलेंगे कितना रेवेन्यू आया, कितना एक्सेप्शनल आइटम इंक्लूड हुआ कौन से कंपनी के रिजल्ट में। तो सबसे पहले सन फार्मा है। सन फार्मा आप जहाँ भी सर्च करेंगे बताएगा कि इसमें नेट लॉस हुआ है। लॉस होने के बावजूद आप सिर्फ सुन कर करके इसके स्टॉक को सेल कर देंगे कि नीचे आएगा, कभी आप ट्रेडिंग करते हैं तो अगर शॉर्ट कर दिए तो फिर आप गए काम से, क्योंकि यहां जो लॉस हुआ है कंपनी को वो एक्सेप्शनल आइटम, मतलब जो फार्मा कंपनी है तो यूएस में इनके ऊपर कई सारे प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इनका बहुत सारा मतलब खर्च आया। तो वो खर्च तो हर हमेशा नहीं आता, एक बार आता है। तो वो एक बार का जो एक्सेप्शनल आइटम है, मतलब जो बिजनेस और सर्विस से रिलेटेड अदर मतलब जो इश्यू होता है उस इश्यू को सॉल्व करने में गया है, तो इसके कारण लॉस आया है। नहीं तो कंपनी का बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आया है, जितना एस्टीमेट था, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट का एस्टीमेट था, उस एस्टीमेट को बीट किया है। इसी कारण शेयर में काफ़ी तेज मूवमेंटम आपको देखने मिला सन फार्मा के शेयर में। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले रेवेन्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए रेवेन्यू, ये हमारा जून 20 का है, ये जून 19 का है। तो रेवेन्यू तो डिक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। टोटल इनकम देखिएगा तो यहाँ पर टोटल इनकम भी आपको डिक्रीज दिखाएगा। उसके बाद एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस देखिएगा तो एक्सपेंस पे डिक्रीज हुआ है, तो मतलब कंपनी का इनकम डिक्रीज हुआ, तो एक्सपेंस भी यहाँ देख सकते हैं डिक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब हम उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। देखिए एक्सेप्शनल आइटम से पहले प्रॉफिट कितना है, 1449 करोड़, और जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा है 838 करोड़ से, और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो उस थोड़ा सा कम है। तो अब एक्सेप्शनल आइटम से पहले प्रॉफिट कम है लेकिन पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा है। अब उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम में यहाँ देख लीजिए रेफर नोट 4, तो नोट 4 पर जाकर के आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम ये हमारा गेन हुआ है या लॉस हुआ है। ये नोट को पढ़ करके, नोट 4 को जब आप पढ़ेंगे तो ये बताएगा कि ये जो एक्सेप्शनल आइटम में अमाउंट देख रहे हैं वो गेन हुआ है या लॉस हुआ है। कभी कभी गेन भी होता है, जैसे कंपनी का कहीं स्टेक था, किसी और कंपनी में स्टेक था, वो सेल कर दिया, तो वहाँ से क्या करेगा कंपनी, गेन करेगा, तो यहाँ पर गेन दिखाएगा, अगर लॉस है तो लॉस दिखाएगा। तो ये यहाँ पर लॉस हुआ है, जो इश्यू है उसको सॉल्व करने में। अब देखिए पहले इतना प्रॉफिट हो रहा था, अब इतना एक्सेप्शनल आइटम में चला गया मतलब इश्यू को सॉल्व करने में, तो आप देख लीजिए टोटल लॉस इतना हो गया कंपनी को टैक्स से पहले। अब इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट होगा, सारा चीज़ मतलब जो जॉइंट वेंचर सब है सारा ऐड होगा, तो सारा मिला करके इतना का लॉस हुआ 1655 करोड़ का। जबकि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था लेकिन जो एक्सेप्शनल इश्यू था उस इश्यू को सॉल्व करने में लॉस हुआ। अगर एक्सेप्शनल इश्यू नहीं होता मतलब एक्सटर्नल इश्यू को सॉल्व करना नहीं होता तो कंपनी को यहाँ प्रॉफिट होता और जितना एस्टिमेट किया गया था एक्सपर्ट के द्वारा उससे ज़्यादा होता। तो ये आपने देख लिया, इसी कारण सन फार्मा के स्टॉक पर काफ़ी तेजी था क्योंकि कंपनी प्रॉफिट पेश की है। लेकिन एक्सटर्नल इश्यू के होने कारण, एक्सटर्नल इश्यू को सॉल्व करने कारण कंपनी को क्या हुआ, नेट लॉस। तो ये रीज़न आपको जानना पड़ेगा कि शेयर जो है सन फार्मा का तेजी क्यों है, क्योंकि जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर है उन्हें पता है कि एक्चुअल में कंपनी प्रॉफिट में क्या है या कंपनी को लॉस हुआ है।
तो इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है। अब दूसरी कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी रिजल्ट काफी बेहतरीन आया है, आपको रिजल्ट दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले टोटल इनकम देख लेते हैं, टोटल इनकम जो इसका हुआ है कंसोलिडेटेड देखते हैं, यहाँ पर 18,000 करोड़ और 28,000 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, और जो जून क्वार्टर 19 था उसमें था 17,000 करोड़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आया है। और उसके बाद हम बात करते हैं टोटल इनकम का, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, नेट प्रॉफिट 5,200 करोड़ का, और जो पिछला जून क्वार्टर था उसमें था 3,175 करोड़, यहाँ काफ़ी जंप हुआ है प्रॉफिट में। और प्रॉफिट देखिएगा पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर में था 4,500 करोड़ और यहाँ पर हो गया 5,200 करोड़, तो प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा जंप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और ईयर ऑन ईयर बेसिस तो काफ़ी ज़्यादा जंप हुआ है। और जो बैंक में होते हैं और कई पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपको देखना पड़ेगा प्रोविजंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, और साथ साथ आपको देखना पड़ेगा एनपीए क्या हुआ है, कंपनी का एनपीए इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। तो यहाँ पर देखिए प्रोविजंस अदर देन टैक्स कंटीजेंसी, यहाँ पर देख लीजिए प्रोविजंस में भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, 12,000 करोड़ हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कम हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रोविजंस काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो ये सारी बातें आपको देखना है। पर देख लीजिए नेट एनपीए, तो नेट एनपीए जो है कंपनी का काफ़ी डिक्रीज हुआ 1.86% मात्र, एनपीए जो है नेट एनपीए मात्र 1.86% है, और जबकि जून क्वार्टर 19 में था 3%, तो काफ़ी ज़्यादा नेट एनपीए भी डिक्रीज हुआ। तो ये सारे पैरामीटर्स थे जो कि स्टेट बैंक के फेवर में है, मतलब इसके स्टॉक में आपको काफ़ी तेज़ी देखने मिल सकता है। और साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि आगे जो एनपीए वो प्रभावित होने वाला है, एनपीए आगे मतलब काफ़ी सारे लोन डिफॉल्ट होने वाले हैं आगे, क्योंकि अभी जो पैंडमिक का सिचुएशन इसमें किसी को इनकम नहीं आ रहा है, तो जो रिटेल लोन लेने वाले हैं वो ज़्यादा डिफॉल्ट कर सकते हैं। अगला हमारा यूको बैंक का रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन है, ऐसे ही इस स्टॉक में ज़्यादा किसी का इंटरेस्ट नहीं है, तो तब पर भी देख लेते हैं जो छोटे मोटे ट्रेडर हैं वो ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक का देखिएगा प्रॉफिट काफ़ी बेहतरीन हुआ है, प्रोविजंस में देख लीजिए प्रोविजंस में काफ़ी डिक्रीज हुआ है, प्रोविजंस में डिक्रीज होने के साथ यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लीजिए फॉर द पीरियड, यहाँ पर देख लीजिए 2,146 है, जबकि पिछले साल जून क्वार्टर में निगेटिव में था, और पिछले क्वार्टर में ये 1678 था, 1678, तो अब की बार क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो यूको बैंक का भी रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद अगला है हमारा यूपीएल, यूपीएल काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर से है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी स्टॉक्स आपको परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका भी जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन आया है। यहाँ पर टोटल इनकम देखिएगा तो 7,900 है और 7,945, तो ये हमारा जो है लगभग फ्लैट रहा है रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन इनकम आप देखिएगा तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लीजिए 658 करोड़, जबकि पिछले साल था मात्र 358 करोड़, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में यहाँ जंप देखने आपको मिल रहा है, प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा जंप है, और पिछले क्वार्टर से लेकिन थोड़ा सा कम है, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा जंप है। किसके कारण? तो टोटल एक्सपेंस यहाँ देखिए काफ़ी कम हुआ है, टोटल एक्सपेंस काफ़ी कम हुआ है, एक्सपेंस में कम होने के कारण, एक्सपेंस कम होने के कारण प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा जंप किया है। और अर्निंग पर शेयर देखिएगा, अर्निंग पर शेयर लगभग डबल हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर अर्निंग पर शेयर लगभग डबल ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन पिछले क्वार्टर से अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो सारे पैरामीटर्स आपको देखते चलना है। तो ये था यूपीएल का रिजल्ट। अब उसके बाद हमारा अगला है लाल पैथ लैब, अगला रिजल्ट है हमारा डॉक्टर लाल पैथ लैब, जो कि एक बेहतरीन डायग्नोस्टिक लैब है, तो इसका भी रिजल्ट काफ़ी प्रभावित हुआ इस पैंडमिक से, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक लैब है और जो लाइफ में आपको जो भी प्रॉब्लम आता है जनरल प्रॉब्लम, उसका ये जांच होता है यहाँ पर। तो जो लॉकडाउन है इसमें लोग बाहर नहीं आते हैं, तो इस लैब का जो रिजल्ट है काफ़ी प्रभावित हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए इसका रेवेन्यू सबसे पहले 277 करोड़, ये मिलियन है, मिलियन में आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि ये देखिए मिलियंस में है, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे ये करोड़ में बदल जाएगा। 277 करोड़ टोटल इनकम हुआ, जबकि पिछले साल जो था ये जून क्वार्टर में 349 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 313 करोड़ था, काफ़ी मतलब फॉल आया है इनकम में। तो यहाँ पर एक्सपेंस में भी कमी आया है,
एक्सपेंस में यहाँ पर देख लीजिए 239 करोड़ है एक्सपेंस इस बार का, जबकि जून क्वार्टर 19 में था 260 करोड़। उसके बाद आता है बात हमारा जो जिसको आप देखना चाहते हैं कि इनकम कितना किया, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर देख लीजिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड मात्र 28 करोड़ है, जबकि पिछले साल था यह 59 करोड़। तो यहाँ 50% से भी ज़्यादा का गिरावट है, 50% से भी ज़्यादा का गिरावट, और पिछले क्वार्टर में था 32 करोड़। तो यहाँ पर देखते हैं लगातार कंपनी का इनकम यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, तो ये कंपनी का इनकम जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है। अब हम चलते हैं इसके अर्निंग पर शेयर को देख लेते हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 3.45 रुपीज़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं 50% से भी ज़्यादा का गिरावट, और यहाँ पर पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ये बहुत ही अच्छा मिड कैप स्टॉक्स है, लेकिन अभी जो लॉकडाउन है तो पूरे के पूरे कंट्री में लॉकडाउन है, और ये पैथ जो है कई सारे स्टेट्स में फैला हुआ है, और इसका जो कंपनी का रेवेन्यू है काफ़ी डिक्रीज हुआ है। उसके बाद हमारा अगला जो स्टॉक है, जिस स्टॉक की चर्चा हम लगातार दो दिन से कर रहे हैं, किलफेस्ट इंडिया लिमिटेड। आप ऐसे ऐसे छोटे स्टॉक के रिजल्ट को ध्यान नहीं देते हैं, ये एक केमिकल कंपनी है, और इसका देखिए इनकम द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ये लाख में है, तो लाख को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 52 करोड़, जबकि पिछले बार था मात्र पिछले क्वार्टर मात्र 6 करोड़, और जून 19 में मात्र था 5 करोड़। देखिए कितना जंप है, 10 टाइम्स का जंप है रेवेन्यू में, इसलिए कंपनी का शेयर प्राइस में भी 10 टाइम्स का जंप। कंपनी का शेयर का प्राइस था 60 रुपीज़, अभी हो चुका है 400 रुपीज़, तो निश्चित है कि वो 10 टाइम्स हो जाएगा। तो कंपनी के रेवेन्यू में भी 10 टाइम्स का जंप, तो वहाँ कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी 10 टाइम्स का जंप। यहाँ प्रॉफिट देख लीजिए कंपनी का, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 27 करोड़, और यहाँ पर मात्र था 1 करोड़, तो कितना का जंप है प्रॉफिट में 27 टाइम्स का जंप, 20 टाइम्स कही एक तरह से, लगभग 20 टाइम्स का जंप है कंपनी के प्रॉफिट में, तो स्टॉक का प्राइस भी 20 टाइम्स होनी चाहिए जब इतना बड़ा जंप है। इसलिए आप देखते हैं किलफेस्ट का शेयर का प्राइस रॉकेट की तरह जा रहा है, हर डे 5% का अपर सर्किट, 400 पहुंच चुका है, उसके बाद भी लगातार अपर सर्किट। तो आपने देख लिया इस स्टॉक का लगातार जो तेज़ी बना हुआ है, हमने कई दिन दो दिन एक अलग सिंगल वीडियो इस पे बनाया था कल, और आज भी हमने इस स्टॉक को शामिल किया था जिसमें कि ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों रुपया बना रहे हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, उस वीडियोस को देखिए जो हमने वीडियो पीछे कल बनाया था, ये देख सकते हैं। यह ऑपरेटर्स ने 12 पैन स्टॉक में कमाए थे, ये तो हमारा था, यहाँ पर हमने इस पर सिंगल वीडियो बनाया था, देखते हैं रिटर्न देने में सबका बाप है ये कंपनी, 5 साल में इन्वेस्टर को करोड़पति बनाया और अभी और बनाएगा, अभी और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और यहाँ पर देख सकते हैं आज जो हमने बताया इन्वेस्टर और ट्रेडर कहाँ रुपया छाप रहे हैं, तो उसमें रिलायंस आ जाता है, उसमें ये किलफेस्ट आ जाता है, तो इस तरह के कई सारे स्टॉक्स हैं। इसमें हमने 12 स्टॉक्स को कवर किया है, ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं गया होगा, नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो चैनल पर आइए इन वीडियोस को देखिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो।